किसी का एक रीजन होता है किसी काम को स्टार्ट करने का. व्हाट वाज योर मोटिवेशन, आपने क्यों प्रिपरेशन स्टार्ट किया था? मैंने इंजीनियरिंग किया है, आई वाज इन आईटी बीएचयू. ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद प्लेसमेंट भी हो गया वहाँ पे, जो कैंपस प्लेसमेंट होता है वो मुझे इतनी भाई नहीं जो इंजीनियरिंग वाली जॉब है. फिर मुझे लगा कि यार ये ठीक नहीं है, तो मैं सिविल सर्विसेज के बारे में सोचने लगा. व्हाट्स योर मैसेज टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो इस वक्त नहीं क्रैक कर पाए? मैसेज यही है कि यार ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार में हो जाए या दो बार में हो जाए, मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन ये एग्जाम ऐसी है कि मैं कहूँगा थोड़ा सा परसिवियरेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है. आप मेंस के बारे में थोड़ा सा बताइए, मेंस एग्जामिनेशन में राइटिंग स्ट्रेटेजी क्या था आपका? तो मेंस में ऐसा है कि पूरा राइटिंग बेस्ड एग्जाम है, सारा ऑप्शनल भी, जीएस भी, ऐसे भी. तो मतलब सबसे बेसिक पॉइंट तो ये है कि आपको एक तो लिख सको और एक टाइम में लिख सको, ये सबसे बेसिक है मेंस में. हाय एवरीवन, वेलकम टू द अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ इंडियन एस्पिरेंट शो. दिस इज़ योर होस्ट आशीष, और आज हम फिर से ही हमारा सेकंड एपिसोड है लवासना का, जहाँ पे हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफिसर से, रिसेंटली यूपीएससी जो सिलेक्ट किया है उन लोगों से. आज के इस एपिसोड में हमारे साथ है मिस्टर दीपक, और ही इज़ रिसेंटली सिलेक्टेड एज आईएएस ऑफिसर. सो हम इनसे बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, यूपीएससी प्रिपरेशन के ऊपर एंड स्पेशली लवासना के ऊपर. प्लीज़ वेलकम मिस्टर दीपक ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो. दीपक भाई स्वागत है आपका इंडियन एस्पिरेंट. थैंक यू आशीष, कैसे आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? आई एम ऑल गुड. मसूरी लवासना बहुत सुंदर है और बहुत मज़ा आया मेरे को यहाँ आके, एंड आई एम हैप्पी टू होस्ट यू हियर एट लवासना. आई एम हैप्पी टू बी हियर एट लवासना आल्सो, और ये इंटरव्यू भी. बाकी लवासना बहुत सुंदर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. और लवासना के अलावा मसूरी भी बहुत सुंदर जगह है, आप किसी भी वक्त आओ सुबह शाम, इट्स रियली प्रीटी. अच्छा, लवासना के किस्से से शुरू करते हैं. लवासना के किस्से बताओ, कैसा क्या चलता है, क्या आपके एक्सपीरियंसेस है, क्या चल रहा है अंदर? देखो, एक कॉमन मैं जो वर्ड बताऊंगा लवासना के बारे में, जो मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल एट लवासना विल एग्री, इट्स हेक्टिक. लाइफ एट द एकेडमी इज वेरी हेक्टिक, एकदम जैम पैक शेड्यूल रहता है. सुबह से एकदम रात हो जाती है, आप पूरा दिन एकेडमी में ही रहते हो, तो वो टाइम निकल जाता है. ठीक है, तो उसके अलावा बाकी मजा बहुत आता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं, आप करने को बहुत कुछ है यहाँ पे. मतलब पढ़ाई के अलावा आप एक्स्ट्रा करिकुलर कर लो, स्पोर्ट्स कर लो, बाकी स्पीकर्स आते रहते हैं, तो वो सब एक अलग है. उसके अलावा किससे तो अपने आप बनते हैं, जैसे कुछ मोमेंट्स होते हैं दोस्तों के साथ होते हैं, कभी कहीं बैठते हैं खाने के बाद, रात को घूमते हैं, कभी कहीं पार्टी में जाते हैं, तो वो सब किससे तो अभी मैं 2 महीने से यहाँ पे हूँ, तो वो बहुत सारे अपने आप बनते हैं. सही है, तो सुना दो कुछ किस्सा, मतलब कुछ ऐसा हुआ है फ्रेंड के साथ में, कुछ ऐसा याद है आपको, इफ़ यू विश टू शेयर विद द ऑडियंस? मतलब ऐसा होता ही रहता है, जब हम शुरू शुरू में जैसे यहाँ नए नए थे, जब लवासना में आए थे, तो मॉल रोड है वहाँ पे, बहुत सारे कैफेज हैं, वो सब एक्सप्लोर कर रहे थे, तो हम रात को ऐसे पैदल चले जाते हैं, यहाँ से निकल गए थे और पूरा देखते हुए आए सारे कि कहाँ पे कौन सी जगह है, और शाम को निकले थे 8-9 बजे और 12 बजे के करीब वापस लौटे थे पैदल जाके. पैदल उसमें जो बातें हुई, जो बॉन्डिंग होती है वो है, और किससे तो जो हमारी बीच में विजिट्स होती हैं, जैसे अभी आए हैं 3 दिन पहले हम ट्रैक से आए, तो वो एक हाईलाइट है एक तौर पे, पीक मोमेंट होते हैं. ट्रैक पे गए थे, उससे पहले विलेज विजिट गए थे, तो वहाँ पे जो मस्ती होती है, उन जो ग्रुप के साथ जो बॉन्डिंग हो जाती है, एक दोस्त बन जाते हैं. बाकी रूम पे कभी बैठते हैं, वहाँ पार्टी होती है, एक साथ 10 लोग एक रूम में बैठे रहते हैं रात भर, तो वो किस्से हैं. सही है. लवासना का बेस्ट पार्ट क्या लगता है आपको कि यार यहाँ आके ये चीज़ में मज़ा आ रहा है? लाइक माइंडेड पीपल हैं, बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका है, सारी सर्विसेज जो हैं एकदम इंटर सर्विस है अभी कॉमन, तो सभी सर्विसेज से दोस्ती हो जाती है और सब एक जैसे लोग हैं, क्योंकि सब वही जर्नी करके आए, थ्रू बीन थ्रू द सेम एग्जाम. और वो तो सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि इट्स अबाउट द पीपल हियर. जगह सुंदर है, लेकिन जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं. क्या डिफरेंस आया है व्हेन यू आर द एस्पिरेंट? आई नो एस्पिरेंट्स की लाइफ में बहुत प्रेशर हो जाता है कि एग्जाम नहीं निकल रहा, और आई स्पेशली आई सीन योर जर्नी कि आप 5 अटैम्प्ट आपने शायद दिए, राइट? नहीं नहीं, दिस इज माय सेकंड अटैम्प्ट. ओके, इट्स योर सेकंड अटैम्प्ट. लाइक हाउ वाज योर जर्नी, हाउ इज द डिफरेंस आफ्टर सिलेक्शन? मेरी जर्नी मतलब ठीक थी. जैसे शुरू होती है, जैसे सभी एस्पिरेंट्स के होता है, अनसर्टेनिटी होती है क्या होगा क्या नहीं होगा एग्जाम में, यही है कि कितने अटैम्प्ट लग जाएंगे. तो शुरू में तो यही था कि देखते हैं, देखे देखते हैं, तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कैसे क्या होगा. लवासना के बारे में भी मैंने ज्यादा देखा नहीं था. ओके, जब मैंने स्टार्ट कर रहा था प्रिपरेशन, आई वाज नॉट कि मैं वीडियो सब देख के रखूं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था. मैंने सिर्फ शुरू कर दी बिलीफ पे कि चलो हो जाएगा, करके तो देखूं एक बार अपना बेस्ट दे के. तो मैंने शुरू किया था कॉलेज के बाद 2020 में. उसके बाद फिर पढ़ाई करते रहा, फिर एक अटैम्प्ट दिया, उसमें नहीं हुआ था, फिर दूसरा दिया,
तो दूसरा देने में वो फीलिंग आने लगी थी कि अब दूसरा हो गया है ऐसे कि कब तक जाएगा, थोड़ा मुश्किल है, एग्जाम टफ है, लेकिन फिर हो गया तो चेंज, मतलब मेरी जर्नी उतनी लंबी नहीं रही फॉर्चुनेटली, ये मतलब मेरा ही क्या, ये लक भी होता है, किस्मत भी होती है, सब कुछ होता है मिक्स। तो उसके बाद चेंज तो ये आया है कि एक खुशी तो होती है, उसके अलावा रिलीफ है एक कि वापस एग्जाम नहीं देनी, वापस वही साइकिल फॉलो नहीं करनी। राइट, मेरे लिए तो यही चेंज जब आया था रिजल्ट के बाद, मुझे रिलीफ फील हुआ था एक कि चलो अब हो गया, वापस से मैं वही बुक्स, वापस वही जर्नी नहीं होगी। तो और यहाँ आके तो फिर लाइफ चेंज ही हो गई एकदम एकेडमी में, तो अब तो पुरानी बात हो गई रिजल्ट वाली। Now, I want to talk about what was your motivation before jumping into the preparation life. क्योंकि हर किसी का एक reason होता है किसी काम को start करने का. Like अगर आपने graduation चल रहा है and then suddenly you moved on to UPSC की UPSC start करना है. What was your motivation? आपने क्यों preparation start किया था? ऐसा है कि एक तो होता है graduation के college के समय से ही लोग सोच लेते हैं, तैयारी शुरू कर लेते हैं. Right. मेरा तो ऐसा था कि कॉलेज में मुझे नहीं था बिल्कुल. मेरा ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि मैं एग्जाम भी दूंगा या कैसे करना है. मेरी कॉलेज खत्म हो गई, मैंने इंजीनियरिंग की है, आई वाज इन आईटी बीएचयू मैकेनिकल. तो ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद प्लेसमेंट भी हो गया वहाँ पे, जो कैंपस प्लेसमेंट होता है वो एक्सेप्ट भी कर लिया. उसके बाद मैं जब घर पे था तो कोविड लग गया 2020 में. तो कोविड लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम था, वहाँ जाना था नहीं. तो उस समय फिर मैं सोचने लगा इस बारे में कि जो मेरी जॉब थी इंजीनियरिंग की मैकेनिकल में थी, तो मैं सोच रहा था कि उसमें ऐसा होता है आप एक ही उस डायरेक्शन में चले जाते हो, मेरा वर्क है उसी में होता, फिर मैं चेंज करता उसी में रहता, वो मुझे इतनी भाई नहीं जो इंजीनियरिंग वाली जॉब है. पहले मैं सोचता था कि ठीक है इंजीनियर बन गए तो ठीक है, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार ये ठीक नहीं है, तो मैं सिविल सर्विसेज के बारे में सोचने लगा. एक तो ये रीजन था और दूसरा ये भी था कि सिविल सर्विसेज में एक एजेंसी होती है जो लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करने की, बहुत सारे एक साथ आप उनकी हेल्प कर सकते हो, तो आप जो डिसीजन लेते हो उनसे लोगों की हेल्प होती है. राइट. तो मैं ऐसा हो कि मैं जब था घर पे रहता था कॉलेज से पहले की बात है या कॉलेज के समय भी कह सकते हैं, तो आई हैव एक्सपीरियंस द लाइफ ऑफ ए लाइक व्हाट वुड यू से कॉमन मैन की कैसे होता है, कैसे लाइन में खड़ा होता है, कैसे बस में जाया जाता है, ये सब चीज़ें जिन लोगों को सरकार की ज़रूरत होती है सच में. राइट. तो मुझे लगा कि उनके लिए सरकार को, जिनकी सरकार की जिनको जरूरत है उनके लिए कुछ किया जा सकता है इस पोजीशन पे आके, तो यहाँ एक एजेंसी मिलती है. तो ये मेरा एक दूसरा बड़ा रीजन था कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ तो लोगों की लाइफ में कुछ बदलाव आए. लगता है इंटरव्यू के आंसर, लेकिन ये सच्ची है. राइट. आई थिंक वो पर्पस होना भी चाहिए, इट मेक्स द जर्नी इजियर, क्योंकि आपके पास में गोल आ जाता है. हाँ, नहीं, इट हेल्प्स. मतलब मैं ये कहूँगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आपको एकदम ऐसे प्रेशर फील नहीं होता कि मैं क्यों कर रहा हूँ यार, एकदम घिस घिस के पढ़ रहा हूँ, परेशान हो गया, वो नहीं लगता. थोड़ा लगता है कि ठीक है, अच्छा लग रहा है, अच्छा यही पढ़ना है, तो मुझे ये भी एक ठीक लगा था. अच्छा, जैसे आपका सेकेंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ. राइट. तो ऐसे कई सारे एस्पिरेंट्स हैं और मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स यही है जिनका नहीं हो पाया. राइट. कुछ लोग मेंस में नहीं क्रैक कर पाए, कुछ लोग इंटरव्यू नहीं कर पाए, कुछ लोगों का प्री ही नहीं निकला. राइट. व्हाट्स योर मैसेज टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो इस वक्त नहीं क्रैक कर पाए? हम, मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जिनका प्री नहीं निकला. फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं हुआ था, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है फिर साइकिल में फंस जाते मेंस वेंस तो अगली साल का भी वो हो जाता है. सही है. तो मैसेज यही है कि यार ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार में हो जाए या दो बार में हो जाए, मेहनत तो करते ही हैं, मतलब सभी एस्पिरेंट्स मेहनत करते हैं, ज़्यादा भी मेहनत करते हैं. ऐसा नहीं है कि जिसका ज़्यादा मेहनत करता है उसी का होता है, लेकिन ये एग्ज़ाम ऐसी है कि मैं कहूँगा थोड़ा सा परसिवियरेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है. अगर आपने मेहनत की है तो आप थोड़ा सा और पेशेंस रखो. लेट्स टॉक अबाउट लबासना अगेन. मुझे ये जानना है कि लबासना ना बहुत ज़्यादा हाइप्ड है, कि कई सारे एस्पिरेंट लबासना के फोटो रखते हैं अपने टेबल के पास में, अपने फोन्स में. राइट. और एक मोटिवेशन मिलता है कि यहाँ जाना है. इवन व्हेन आई एंटर्ड दी लबासना, मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मुझे भी एक मोटिवेशन आया कि यार यही चीज़ के लिए तो मैंने 2016 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, यही तो आना था हमको. राइट. तो एक मोटिवेशन हमेशा रहता है. व्हाट डू यू थिंक लबासना की ऐसी कौन सी बात है जो हर एस्पिरेंट को पता होना चाहिए, लाइक जो आपको बाद में पता चली हो, या ऐसा कुछ है? ऐसा है कि मेरे लिए तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि मैंने फोटो नहीं रख रखी थी ना, फोटो मैंने चिपका रखी थी कहीं पे, मेरे टेबल पे भी नहीं थी, मेरे फोन में भी नहीं थी. मैंने लबासना का बस बहुत ही थोड़ा सा देखा था यूट्यूब पे. मैंने ये भी नहीं देखा था कि ट्रेनिंग में क्या होता है, कैसे होता है. मुझे बस एक ब्रॉड आइडिया था कि ऐसे कुछ मॉर्निंग में होता है, फिर क्लासे लगती हैं बस. तो मैं उतना नहीं देखा, क्योंकि मेरा ऐसा सोचना था कि
मैं मतलब पहुंचूंगा तभी मैं उसको एक्सपीरियंस करूंगा, पहले से मैं सारा देख लूंगा तो कुछ नया नहीं लगेगा। राइट, तो इस हिसाब से मैं ऐसे ही सोचता था। कॉलेज में भी मैं ऐसे ही था, मतलब जब मैं आईआईटी बीएचयू में था तो उससे पहले मुझे कॉलेज का मैंने कुछ नहीं देखा था। काउंसलिंग में मुझे कॉलेज मिली, मैंने वहीं जाके फर्स्ट टाइम देखा कि अच्छा ये ऐसी कॉलेज है, बहुत बढ़िया है। इसलिए मैंने इतना नहीं देखा था यहाँ का लवासना का, लेकिन ये बात है कि हाइप्ड होता है, पहले से लोग फोटो वोटो देख के रखते हैं कि हाँ यहाँ पहुंचना है, लवासना जाना है, दैट्स लाइक ए गोल, एग्जाम के बाद लवासना पहुंचना है। एक बात जो पता होनी चाहिए ये है कि लवासना चिल प्लेस नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब चिल है उस तरीके से है, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप सारे दिन आराम करोगे, एग्जाम दे के आए हैं तो यहाँ पे मस्ती करने के लिए टाइम मिलेगा, वो नहीं है। यहाँ पे काफी वो चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं, काफी एक्टिविटीज हैं, क्लासेस, लेक्चर, सेशन, स्पीकर, ये सब होता रहता है। लेकिन फिर भी ये है कि जो एफसी वाला पार्ट है, फाउंडेशन कोर्स, वो ये पता होना चाहिए कि वो आपकी बेस्ट चीज है। यहाँ पे एग्जाम के बाद आप आओगे, यहाँ कैसा भी है, चाहे कितना भी हेक्टिक है, कितना भी भाग दौड़ हो, आप थक रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन वो बेस्ट चीज है। यहाँ पे जो दोस्त बना रहे हो वो लाइफ लॉन्ग है, तो ये चीज पता होनी चाहिए ताकि यहाँ आके क्रिप ना करें। क्योंकि ऐसा भी लगता है कि यार ये कितना ओवररेटेड था, यहाँ पे आके तो सब कुछ नॉर्मली है, लेकिन बाद में मैंने जैसे सीनियर से भी सुना है और मुझे अब लग भी रहा है क्योंकि अब एफसी इज गोइंग टू एंड इन 20 डेज, तो अब वो फीलिंग आने लगी है कि यार इतने सारे मजे तो कर लिए हैं, तो अब ये सब खत्म होने वाला है, लोग चले जाएंगे, तो ये पता होना चाहिए कि यू कम विद पॉजिटिव माइंडसेट, ऑप्टिमिज्म लेके आओ कि जैसा भी है मजा कर, हम मजे करने वाले हैं। सही है, आई थिंक वो हेक्टिक इसलिए भी शेड्यूल है ना कि दे आर ट्रेनिंग यू फॉर द फ्यूचर। हाँ हाँ, आगे जाके हेक्टिक लाइफ में रहना है, जॉब भी हेक्टिक ही रहनी है, हमेशा बिजी रहना है, लीजर टाइम नहीं है, तो वही सिखा रहे हैं वो अभी से। राइट, इट्स अ थिंग कि अभी आप जैसे वंस यू एंटर द लवासना, सो सैलरी वगैरह का क्या होता है, लाइक इट्स बीन स्टार्टेड, लाइक यू आर कम्प्लीटली परमानेंटली हायर्ड बाय द एजेंसी, और वो जब आप ज्वाइनिंग पे जाते हो तभी होगा? ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को पता नहीं है, तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग दिस। ऐसा है कि यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करते हो ना, डे वन शुरू होता है, वो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस माना जाता है। ओके, तो सर्विस शुरू हो गई है। ओके, सर्विस में आपकी जब तक ट्रेनिंग चलती है यू आर ए प्रोबेशनर। ओके, तो नाउ जैसे मैं एक आईएएस प्रोबेशनर हूँ, अपनी अपनी सर्विस में सब प्रोबेशनर होते हैं, ठीक है, तो आपका पेमेंट भी शुरू हो जाता है यहाँ पे ट्रेनिंग में ही, और प्रोबेशन जब आपका खत्म होगा तब तुम परमानेंट एम्प्लॉय बनोगे। तो ऐसा नहीं है कि परमानेंट हो चुका है, लेकिन दे गिव यू द अलाउंस ताकि खर्चा पानी तो निकल ही जाए, तो वो तो मिलता है यहाँ पे एकेडमी में भी। राइट, और सर्विस जो डेट से शुरू हुई है तो वहाँ से सीनियरिटी भी काउंट होती है। ओके, और प्रोबेशन के बाद मतलब अब क्या होगा, आपका एफसी खत्म हुआ, फाउंडेशन कोर्स खत्म हुआ, उसके बाद में क्या रहता है, मतलब जब तक ज्वाइनिंग ना मिले तब तक का क्या टाइमलाइन है कुछ? अभी ऐसा है जैसे फाउंडेशन कोर्स कॉमन है, सारी सर्विसेज वाले यहीं पे हैं, जब फाउंडेशन कोर्स खत्म हो जाएगा, 3 महीने का है अभी, थोड़ा सा ही बचा है हमारा, तो उसके बाद देन यू मूव टू योर रेस्पेक्टिव एकेडमीज सर्विस के हिसाब से, कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की लवासना ही है वो यहीं रुकते हैं, पुलिस की हैदराबाद है, नेशनल पुलिस अकेडमी, तो एवरीवन गोज टू देयर रेस्पेक्टिव अकेडमी और वहां पे उनकी सर्विस ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, और वो सर्विस ट्रेनिंग चलती है 9-10 महीने, देन उसके बाद आप ज्वाइन कर लेते हो अपनी जगह पे, जैसे कि मैं हूँ तो किसी डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, देन डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट्स, जॉब स्टार्ट हो जाती है डिस्ट्रिक्ट में, आप कलेक्टर के अंडर में ट्रेनिंग करते हो, तो वो अभी सबकी सर्विस ट्रेनिंग शुरू होगी। ओके, उसके बाद फिर फेज टू आता है आई थिंक, वो मतलब सर्विस ट्रेनिंग का ही पार्ट है, जैसे अभी जैसे ही ये एंड होगा फेज वन ट्रेनिंग शुरू होगी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वालों की। ओके, फिर फेज वन के बाद वो जाएंगे बाहर, फिर वापस से डिस्ट्रिक्ट से लौट के आएंगे, फेज टू होगा, फेज थ्री होगा, इस तरह से फेजेस में होती है। एंड उसका अंदर कितना, शायद आई थिंक 2 साल लगते हैं। हाँ, 2 साल है रफली। ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर प्रिपरेशन लाइफ, हाउ वाज योर प्रिपरेशन लाइफ, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे आपका रूटीन क्या था, हाउ यू स्टडीड, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी एंड माइंडसेट? जब मैंने शुरू की थी तो मैं घर पे था, 2020 में शुरू की थी मैंने, और मेरा ऐसा था कि मेरा शेड्यूल काफी एक जैसा हो गया था, क्योंकि मैंने दिल्ली शिफ्ट नहीं किया था पढ़ने के लिए, तो मैं घर पे ही रहता था, तो एक रूटीन घर पे ही बन गया था कि सुबह उठता था मैं नॉर्मल, मैं आई एम नॉट ए नाइट आउल, मैं ये मॉर्निंग पर्सन हूँ। हाँ, वो मैं प्रिपरेशन के दौरान बन गया था, कॉलेज में तो रात रात भर जगते थे, लेकिन घर पे आके मेरा ऐसा हो गया था कि मेरा मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ द डे दिन था। मैं दोपहर में सबसे ज्यादा पढ़ाई कर लेता था, तो मैं सो जाता था आराम से 11-12 बजे, 7 बजे उठता था और अपना नाश्ता वाश्ता करके जो कोर्स है मैं सबसे पहले न्यूज़पेपर देखता था, वो तो बढ़िया लगने लग गया था, मतलब 1 साल पढ़ने के बाद आदत थी कि न्यूज़पेपर तो चाहिए ही, नहीं आता तो उस दिन लगता था अब क्या करूं। सही है, तो मैं न्यूज़पेपर से शुरू करता था, 1-1.5 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके बाद अपने सब्जेक्ट्स पे मूव करता था, 9 to 12 रफली एक
पढ़ लिया, जैसे जनरल स्टडीज है 9 to 12 पढ़ लिया, फिर ब्रेक ले लिया, एक डेढ़ घंटे का लंच कर लिया, फिर 2 to 5 या 2 to 6 ऑप्शनल पढ़ लिया, या फिर कोई पेपर सॉल्व करना है तो वो कर लिया शाम को, फिर से थोड़ा ब्रेक लिया 6 to 7.5 तक, फिर उसके बाद तो थोड़ा सा पढ़ा 7:30 to 9, फिर डिनर किया, बस फिर मेरा दिन खत्म हो जाता है डिनर पे। मैं उसके बाद नहीं पढ़ता था क्योंकि वैसे भी पूरा दिन पढ़ने के बाद दिमाग भी थोड़ा थक जाता है, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा चिल करता था 10 to 12 और सो जाता था। तो दैट वाज द रफली रूटीन। और घर पे मैं 2 साल घर पे ही रहा था 2020 से 2022 तक, तो एक यही फॉलो हो गया था। घर पे थोड़ा आराम भी रहता है क्योंकि खाना वाना मिल जाता है टाइम पे, खुद से ज्यादा करना नहीं पड़ता, तो मेरा यही था रूटीन। तो बेसिकली आपका सेल्फ स्टडी था पूरा? हाँ, मेरा पूरा सेल्फ स्टडी था। मैंने मतलब मटेरियल इधर उधर से ले लिया था, आई डिडंट टेक एनी कोचिंग, कोई क्लासेस व्लासेस नहीं देखी थी मैंने किसी की। ओके, सही है। एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बताओ, ऑप्शनल कैसे डिसाइड किया, मतलब व्हाट वाज योर माइंडसेट बिफोर डिसाइडिंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट? तो ऐसा है कि मेरा पूरा सेल्फ स्टडी था, मैंने क्लासेस नहीं देखी, लेकिन मैंने हेल्प ली है काफी यूट्यूब से और ब्लॉग से। okay. जो पिछले साल के टॉपर्स हैं मैं उनके ब्लॉग्स पढ़े थे और काफी सारी वीडियोस देखी हैं, और उसमें मेरी माँ ने भी काफी हेल्प की है। माय मॉम हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि वो इतनी वीडियोस देखती थी मुझसे ज्यादा। अच्छा। दिन में मैं पढ़ने लग जाता था ना, तो शी जस्ट वॉच द वीडियोस और वो मुझे रिकमेंड कर देती थी कि ये वाली वीडियो देखो, इस टॉपर की देखो, और उनको याद भी हो जाता था कि 2018 में रैंक 7 है, ये देख लो। तो ऐसे उन्होंने हेल्प की, तो मैं वीडियोस से सीखा कि कैसे क्या करना है, आंसर राइटिंग, ऑप्शनल कैसे चूज करना है। तो ऑप्शनल का ऐसा था कि इंटरेस्ट से चूज करो। मैंने ऐसे कॉमन एक देखा कि यू शुड हैव इंटरेस्ट इन द ऑप्शनल, क्योंकि ऐसे ऑप्शनल ये नहीं लगना चाहिए कि यार एक बोझ की तरह लग रहा है, एक नंबर लाने के लिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी जर्नी भी लंबी हो सकती है और ऑप्शनल का वेटेज भी ज्यादा होता है एग्जाम में। मैंने जो कॉमन चीज देखी थी, इंटरेस्ट बेस्ड होना चाहिए, और ये मुझे खुद भी ऐसा महसूस हुआ कि होना चाहिए ताकि एक बोझ की तरह ना लगे कि आप मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हो, उसका वेटेज भी ज्यादा होता है ऑप्शनल का, तो उसके लिए इंटरेस्ट होना जरूरी है ताकि आप थोड़ा आसान हो जाता है, आपको चीजें जल्दी समझ आ जाती हैं, प्रेशर नहीं रहता। तो इंटरेस्ट बेस्ड था उसका तरीका। मैंने जो किया था कि कैसे चूज करना है, मैंने पहले ऑप्शनल का सिलेबस देखे, मैंने 4-5 ऑप्शनल देखे कि इनमें से मुझे कुछ लेना है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, PSIR, ये उनका सिलेबस देखा पहले। फिर सिलेबस के बाद मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, सॉल्व नहीं किए क्योंकि पढ़ा नहीं था, मैंने सिर्फ देखा कि कौन से क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस रीड करके किस में मुझे फील आ रही है कि अच्छा ये तो मैं लिख सकता हूँ पढ़ के ही। मैंने सिलेबस कवर नहीं किया है लेकिन पढ़ के लग रहा है कि अच्छा ये तो मेरा काम का है, कुछ अपना सा लग रहा है, ये मैं लिख दूंगा। तो मैंने ऐसे 2-3 सब्जेक्ट के पेपर्स देखे, तो मुझे पॉलिटिकल साइंस में लगा ऐसा कि कुछ क्वेश्चंस तो यार मैं ऐसे भी मुझे फील आ रही है कि मैं लिख सकता हूँ और पढ़ के मैं और अच्छा लिख सकता हूँ। तो ये एक तरीका था मेरा तो देखने का। और फिर मैंने PSIR पढ़ना शुरू किया, तो उसमें भी 15-20 दिन दिए कि अगर चेंज करने का कहीं स्कोप हो तो, लेकिन मुझे वो ठीक लगा तो फिर मैंने वो चुन लिया, तो मेरा PSIR ही ऑप्शनल था। ओके, आप मेंस के बारे में थोड़ा सा बताइए, मेंस एग्जामिनेशन में राइटिंग स्ट्रेटजी क्या था आपका, और लेट्स स्टार्ट विद इट। तो मेंस में ऐसा है कि पूरा राइटिंग बेस्ड एग्जाम है, सारा ऑप्शनल भी, GS भी, ऐसे भी। तो मतलब सबसे बेसिक पॉइंट तो ये है कि आपको एक तो लिख सको और एक टाइम में लिख सको, ये सबसे बेसिक है मेंस में, कि आप चाहे लिख कुछ भी रहे हो लेकिन आप टाइम में नहीं लिख रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। कितना भी ज्यादा पढ़ के जाओगे तो वहां पे पेपर छूट जाता है, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये एक मतलब ईजी लगता है सुनने में, लेकिन ये एक टफ चीज़ है जो प्रैक्टिस से आती है, क्योंकि मेंस में ऐसा है 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करना ही अपने आप में एक फीट है। राइट, तो वो आप पहले महीनों भर प्रैक्टिस करोगे तब जाके होता है, एकदम हाथ दुख जाता है तो वो पेपर एंड होता है। तो उसकी स्ट्रेटेजी ये थी कि पहले आंसर राइटिंग धीरे धीरे मैंने शुरू की, दिन का 1 क्वेश्चन लिखे, दिन के 2 क्वेश्चन लिखे, फिर 1 महीने बाद 5 क्वेश्चन लिखने लगा दिन के। वो ऐसे डेली वेबसाइट्स पे डल जाते हैं, कुछ कुछ होती हैं जहाँ पे डेली के 5 क्वेश्चन डलते हैं, वो मैं देख के खुद से लिख लेता था, अगले दिन उनका सॉल्यूशन आता था, चेक करता था। तो ये शुरुआत था, तो ये मतलब मैंने किया था शुरू अक्टूबर के अराउंड, एग्जाम जून में थी उससे पहले वाले अक्टूबर में। ठीक है, तो 5-5 क्वेश्चन किए, फिर उसके बाद जनवरी आया तो 10-10 करने लगा, फिर फरवरी में फुल लेंथ दे दिया। तो तब मेरा पहला जो मैंने मेंस का जैसे लिखा था मॉक टेस्ट, तो 4.5 घंटे में हुआ था। ओके, जबकि लिखना था 3 घंटे में। सही, तो तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये लिखना भी एक बड़ी बात है, तुम पढ़ के इतना सारा कॉन्टेंट लाए हो लेकिन वहाँ दे नहीं पाओगे। फिर मैं स्पीड पे काम करने लगा उसको, 4:30 से वो पहले 4 हुआ, फिर 3:45 हुआ, 3:30 हुआ, फिर आखिर में आते आते जब प्री हो चुका था, मेंस के बीच में था, तब वो 3 घंटे हो गया एकदम, और फिर 3-3 घंटे के मॉक टेस्ट दिए। तो मतलब शुरुआत ऐसे ही मुझे लगता है करनी चाहिए कि स्लोली धीरे धीरे शुरू करो,
तो फिर जैसे जैसे सिलेबस होगा और बढ़ जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एंड व्हेन यू रीच द स्टेज की मेंस आने वाला है तब तक आपकी सिचुएशन ऐसी हो जानी चाहिए कि वहां जाके लिख दे। और कभी से चैलेंज फेस नहीं हुआ कि यार सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एकेडमी की कभी जरूरत फील नहीं हुई कि यार आई शुड ज्वाइन द एकेडमी यार ऐसा कुछ? मैंने ज्वाइन इसीलिए नहीं की क्योंकि मुझे कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि मुझे ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे फील कराया जरूर गया जैसे कि कभी बात करते हैं किसी दोस्त से या किसी से, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ नहीं प्रीलिम्स तो फिर लगता है कि यार ज्वाइन कर लो, नहीं तो क्या पता अगले में भी ना हो, क्या पता वहीं पे कुछ पढ़ा रहे हो तुम सेल्फ स्टडी से नहीं कर पा रहे हो, कहीं कमी रह जाए। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद थोड़ा सोचा था, लेकिन फिर मुझे ऐसे लगा कि मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सिलेबस कवर कर चुका था, तो मुझे तो ये फीलिंग आई कि अगर मैं क्लासेस लूंगा वहां बैठूंगा तो मतलब वो पूरा जीरो से पढ़ाएंगे और ज्यादा टाइम निकल जाएगा उसमें, मैं सब पढ़ चुका हूँ, मुझे थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मैंने पहले ये एनालाइज किया कि मुझसे गलती क्या हो गई, क्यों नहीं हुआ, तो मैंने वो लेके बैठा कि कहाँ पे मैंने रिवीजन नहीं किया, मॉक टेस्ट कम दिए थे, मतलब ये थी मॉक टेस्ट मैंने कम दिए थे प्री के लिए भी, तो मुझे लगा कि ये गलती है तो मैं खुद ही सुधार लूं, तो फिर मैंने एक लीप ऑफ फेथ फिर से ले लिया कि चलो रहने देता हूं इस बार, सही है कोचिंग नहीं लेता हूं, और नहीं ली फिर मैंने। एंड आई थिंक बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट जो शायद या तो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, मे बी फाइनेंशियल इश्यूज के कारण, मे बी वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं अपने गाँव से शहर से कहीं से और अकेडमी का एक्सेस नहीं है, तो हाउ शुड दे प्लान देयर स्टडीज, मतलब उनको उनके लिए रूटीन और कैसे प्लानिंग करनी चाहिए उनको विदाउट स्टडी यूपीएससी की प्रिपरेशन की? देखो ऐसा है कि कोचिंग एक तो इंडिविजुअल है, मतलब कि लेनी है या नहीं लेनी है वो सब इंडिविजुअल खुद को पता चलेगा थोड़ा सा कि उसको कैसा सेल्फ स्टडी करके बुक से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या उसको विजुअल ज़्यादा समझ में आता है, ये भी शायद एक डिफरेंशिएटर हो सकता है, क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था तो मुझे बुक से समझ में आ रहा था, मुझे ये भी लगा कि मैं बुक से समझ पा रहा हूं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत लगे तो ले भी लेनी चाहिए। और बाकी जैसे आपने पूछा कि फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, डिस्टेंस हो सकता है, कहीं रहते हैं टाउन में गाँव में तो वहाँ से नहीं जा सकते, तो उसका ऐसा है कि उसमें आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो काफ़ी सावधानी भी बरतनी पड़ती है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो रूटीन क्या बनाना है, कौन सा सोर्स कहाँ से लेना है, मटेरियल कहाँ से लेना है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा उसमें सावधान रह के वाइजली चूज करना पड़ेगा कि ये बुक पढ़नी है ये नहीं पढ़नी है, क्योंकि मार्केट में तो सब कुछ अवेलेबल है, खुद से आप जाके कुछ भी खरीद लाओ। करेक्ट है। इसी बात में मुझे याद आया, जैसे मैं पहली बार वहाँ मैं घर पे था ना, तो बीच में मैं वहाँ करोलबाग गया था एक बार बुक्स और नोट्स देखने, तो वहाँ ऐसे सजा के रखते हैं वो पूरा एकदम नोट्स फोटोकॉपीज इतनी सारी है कि आप जो देखोगे एक सब्जेक्ट की पांच पांच उठा लोगे कि यार ये भी पढ़ लूँ ये भी पढ़ लूँ टॉपर के नोट्स पढ़ लूँ, तो वो ध्यान से रखना पड़ता है कि सोर्स आपको लिमिटेड फॉलो करने हैं, जो फॉलो कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट करना है, तो एक सेल्फ स्टडी में ये है कि थोड़ा ट्रस्ट करो, अपने सोर्सेज लिमिटेड रखो और उसी पे ध्यान दो, बाकी कुछ नया आ रहा है तो कोई बात नहीं उससे हो जाएगा जो तुम पढ़ रहे हो। Correct. और रूटीन ऐसा है, रूटीन भी खुद से थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग जाते हैं तब तो टाइम सेट हो जाता है कि सुबह गए शाम को आए इस तरह, खुद से है तो खुद से थोड़ा देखना पड़ेगा कि किसी दिन मिस भी होगा, घर पे रह रहे हैं कहीं तो कोई मेहमान आ जाते हैं कहीं चले जाते हैं तो सबका मिस होता है, तो उसको कंपनसेट करना है, बाकी छोटे टारगेट्स मुझे लगता है कि हेल्प करेंगे कि जैसे कि इस संडे तक मुझे ये सब कवर करना है, बीच में कहीं मिस हो गया तो उसको कैसे भी करके कंपनसेट कर लिया किसी दूसरे दिन या सैटरडे को बैठ गए, तो वो टारगेट्स लेके चलेंगे तो सेल्फ स्टडी हो जाएगी। इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि यूपीएससी का इंटरव्यू का माहौल कैसा था आपका, आपका इंटरव्यू कैसा रहा, मतलब क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे, कैसी वाइब होती है इंटरव्यू की? देखो इंटरव्यू को सुनते ही तो मुझे सबसे पहले याद आया कि मैं इंटरव्यू करके गया था बहुत ज़्यादा तैयारी। ओके क्योंकि मैं इंटरव्यू के समय 2 महीने दिल्ली रहा था। ओके पहले घर पे था, जब वो मेंस का रिजल्ट आ गया उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला गया, क्योंकि मॉक इंटरव्यूज और वो देने होते हैं तो वहीं पे होते हैं सारे इंस्टीट्यूट्स में, तो मैं दिल्ली चला गया, तो वहाँ पे मेरे पास अब पूरा दिन इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए था। ठीक है। मैं बैठ के सुबह से एक तो अखबार पढ़ता था, दोनों एक्सप्रेस हिंदू, 3 घंटे उसी में निकाल देता था, अखबार अच्छे से कर लिया। ठीक है। उसके बाद रिवाइज करता था अपना PSIR, फिर डेफ पे करता था, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें आपका वाई डेटा और बाकी चीजें होती है। ठीक है। तो उसको प्रिपेयर करता था क्वेश्चंस बना बना के, तो मतलब मुझे लग रहा था कि मैंने तो अच्छे से कमर कस ली है, लेकिन इंटरव्यू ऐसा है कि बहुत रैंडम है, वहां पे आपका दिन कैसा जा रहा है, बोर्ड कौन सा है और आप क्या बोल रहे हो वो भी, तो उतना फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो ऐसा था कि जब मैं मेरा इंटरव्यू था तो वो काफी अलग हो गया उससे। Okay. जो मैं तैयारी करके गया था वो नहीं था, PSIR से कुछ नहीं पूछा, करंट अफेयर्स काफी कम थी। Okay. और क्वेश्चंस अलग से बहुत अलग रैंडम से थे, तो इसलिए उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस यही है कि थोड़ा
काम रहना चाहिए, बाकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है. वंस यू एंटर द इंटरव्यू रूम आपका सब डर वर निकल जाता है, इट्स लाइक ए कॉन्वर्सेशन. वो बहुत ही कंफर्टेबल करवाते हैं आपको, पता नहीं चलता आधा घंटा हो जाता है, देन यू जस्ट लीव. और इंटरव्यू से जस्ट पहले थोड़ी नर्वसनेस होती है. आई विल शेयर दिस थिंग कि जैसे मेरा इंटरव्यू था 2 मार्च को, ठीक है, तो वहाँ पे पहले एक हॉल में लेके जाते हैं, वहाँ पे 6 लोग बैठ जाते हैं एक टेबल पे. हाँ. अटेंडेंस वगैरह मार्क होती है, डॉक्यूमेंट्स आपके वो चेक करते हैं, ठीक है, और आपस में बात चलती रहती है. तो सभी को एक साथ बुला लेते हैं वो 6 लोगों को, और नंबर से होता है इंटरव्यू. तो जिसका लास्ट 1 बजे है तो वो वेट करेगा. तो मैं वहां जाके बैठा, वो सब अटेंडेंस डॉक्यूमेंट कर रहा था, तभी वहां लिस्ट आ गई किसका है. देखा तो मेरा ही सबसे पहले, तो उन्होंने बोल दिया चलो. सही. तो मैं ज्यादा बात नहीं कर पाया वहां पे, ज्यादा कुछ चिल मूड भी नहीं आया, मैं जस्ट बैठा ही था 15 मिनट, ठीक है. फिर वहां से जो लेके जाते हैं, तो जो इंटरव्यू का रूम होता है बोर्ड का, उसके बाहर एक चेयर लगी होती है, और वो एक ऑपरेशन थिएटर जैसे लाइट होती है, उसके ऊपर रेड और ग्रीन. ओके. ग्रीन है तो आपको अंदर जाना है, रेड है तो मतलब अभी बाहर बैठना है. तो वहां पे एक कुर्सी जो होती है बगल में, वहां जाके बिठाया. ठीक है. तो उस कुर्सी पे जो बिठाते हैं ना, वहां पे मुझे सबसे ज्यादा डर लगा, क्योंकि वहां कोई नहीं था, मैं अकेला बैठा था और वो लाइट दिख रही थी. वहां पे जो 3-4 मिनट का वेट था, वो एकदम नर्वसनेस था, एकदम फ्लैश हो रहा था कि अच्छा मैं क्या क्या पढ़ के आया हूँ, करंट अफेयर्स और ये सब तैयार, डेफ वेफ ऐसे इंट्रो देना है ये सब. और फिर बाद में जस्ट जैसे ही एंटर हुआ तो वो सब फट जाता है. एज यू सेड कि यार वहाँ पे थोड़ा डर हुआ, राइट? हाउ डिड यू ओवरकम दैट इंटरव्यू फियर? मतलब उस टाइम क्या था, मतलब डिड यू हैड सम टेक्निक्स, और मतलब आपने उसको उस 3-4 मिनट जो आपके थोड़ा नर्वसनेस वाले थे, उससे आप थोड़ा सा रिलैक्स जोन में कैसे आए? वहाँ पे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं कोई टेक्निक अप्लाई करूँ कि कैसे मैं रिलैक्स हूँ. मैं बस बैठा वहाँ पे, 3-4 मिनट ऐसे गुजर गई. मैं कह तो रहा हूँ सिर्फ फ्लैश हो रहा था. मैं सोच रहा था अच्छा ऐसे इंट्रो दूंगा मैं, ये लाइन बोलनी है, आज का न्यूज़पेपर में ये था, मैं इतना सोचा तब तक वो बोले चलो अंदर. हाँ. तो कोई ऐसे टेक्निक अप्लाई नहीं की, और अंदर जाते ही आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो इतने आराम से बात करते हैं, बैठ जाते हैं, ये कॉन्वर्जेशन वो शुरू हो जाती है बहुत ही नॉर्मली. तो उसके बाद वो सब अपने आप हट जाता है. तो यू जस्ट हैव टू बी काम व्हेन यू आर वेटिंग जस्ट आउटसाइड द रूम. रूम के अंदर कुछ नर्वसनेस नहीं होती है. सही है. राइट. नाउ व्हाट वुड बी योर मैसेज टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो इस वक्त प्रिपरेशन कर रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि एस्पिरेंट्स लुक अप टू यू. जो भी टॉपर्स के इंटरव्यूज आते हैं, पॉडकास्ट आते हैं, तो जब एस्पिरेंट उसको देख रहा होता है, व्हेन आई वाज द एस्पिरेंट, तो मैं यही सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज वगैरह देख के कुछ मोटिवेशन फील होता था, और ऐसा लगता था कि हाँ ये हमारी ही बात हो रही है, हमारे लिए हो रहा है. व्हाट्स योर मैसेज टू ऑल द एस्पिरेंट? तो मैसेज ऐसा है कि इफ यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, तो मैं जैसे पहले बोला था कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, परसिवियरेंस रखो. एग्जाम ऐसे ही है, टफ है, अनसर्टेनिटी सभी के साथ है. किसी का पहले से नहीं होता कि वो टॉपर बनेगा कि कहीं पे होगा या नहीं होगा. लिस्ट में नाम आने से 10 सेकंड पहले भी ये लगता है कि नाम आएगा या नहीं. सीधे सर्च करता हूँ, जैसे मेरा रिजल्ट आया था, तो वो मतलब वही डिफरेंस होता है. बाकी उससे पहले इतना जरूरी सोचने की जरूरत नहीं है, डोंट ओवर थिंक इट. आप थोड़ा ट्रस्ट रखो जो आप कर रहे हो वो ठीक है, और पेशेंस रखो. बाकी ऐसा है कि मुझे लगता है कि मोटिवेशन है ना, थोड़ा सा खुद से रखो. मतलब डोंट टेक दिस एग्जाम अंडर प्रेशर, या एक एग्जाम की तरह मत लो इतना ज्यादा कि मुझे ये क्रैक करनी है, कैसे भी मार्क्स लाने हैं. तो वो थिंकिंग ना थोड़ा सा फिर परेशान कर देती है कि कैसे भी मुझे ये करना है. थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन ऐसे रखोगे कि थोड़ा मजे मजे में पढ़ोगे, एंजॉयमेंट करके, कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा नॉलेज आ रही है कि बाद में हो जाएगा. तो ये भी एक क्वेश्चन है कि बाद में हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ये भी सोच के रखना चाहिए. सही है. सिर्फ वही एंड नहीं हो जाता है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग सर्विस है. तो थोड़ा सा ये भी सोच के रखेंगे कि सर्विस में क्या करना है, या मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ना भी, या जॉब मुझे अच्छी लगेगी, तो थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, तो मुझे लगता है आसान हो जाती है जर्नी. एक हार्ड थिंकिंग ऐसे रखेंगे कि सिर्फ एग्जाम की तरह ले लेंगे, उससे बेहतर है कि थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन अंदर से आए कि आप समझ के रखो जॉब प्रोफाइल क्या है, क्यों कर रहे हो तैयारी, किसी कहने पे नहीं कर रहे हैं, प्रेशर में नहीं कर रहे हैं. तो ये एक मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है थोड़ा सा आसान बनाने के लिए. बाकी हार्ड वर्क तो है ही, सभी करते हैं सारे इसमें. हार्ड वर्क तो नहीं करना भी ये गलती है, हार्ड वर्क नहीं किया, मजे मार रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. तो वो तो मतलब कर ही लोगे, डिफॉल्ट है. उसके अलावा ये है थोड़ा सा. राइट. आई थिंक जब आप उस प्रोसेस को एंजॉय करते हो, थोड़ा सा इजी हो जाता है ना आपके लिए एग्जाम क्रैक करना, या एग्जाम की उस प्रोसेस को जब एंजॉय कर रहे हो तो प्रिपरेशन ओवरऑल इजी हो जाती है. राइट. आई हैव सीन पीपल जो बहुत ज्यादा प्रेशर लेके पढ़ते हैं, लाइक मान लो लेट्स से किसी की तबीयत खराब है और उन्होंने अपने टारगेट्स बनाए हुए हैं, तब भी वो उसी टारगेट्स के ऊपर स्टिक है. लाइक बेटर दे शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ फर्स्ट, और उसके बाद में अगर वो टारगेट्स पे आएंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा पढ़ना. एब्सोल्युटली वही मैं कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हो आप प्रोसेस को, तो वो ईजी हो जाती है. अगर आप सिर्फ फिक्सेटेड हो कि डेस्टिनेशन पे मुझे हाउ कैसे भी पहुँचना है, नो मैटर हाउ, तो वो फिर परेशान हो जाओगे आप कि मैं नहीं, बिल्कुल
बंद कर दिया मैंने तो घर से बाहर निकलना ही, कमरा बंद करके बैठ गया, कोई मूवी नहीं देखी है चार साल में, तो वो इतना प्रेशर नहीं लेना है। बीच में मन किया तो देख ली, क्या हो गया, इट डजंट मैटर। आप एंजॉय कर रहे हो, अपना काम हो रहा है ढंग से, वो होना चाहिए बस। करेक्ट। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो? माय एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, इट वाज काफी रिलैक्सिंग थी। हम जस्ट बात कर रहे थे फ्लो में कि लवासना कैसा है, प्रिपरेशन कैसी है। आई रियली एंजॉयड द शो, द वे वी टॉक्ड अबाउट। मुझे भी काफी सारी चीजें यहाँ पे हेक्टिक शेड्यूल भूल रहा था, याद आ गई है वापस से कि अच्छा ऐसे प्रिपरेशन थी, ऐसे मैं रहता था। काफी बढ़िया था, रिवीजन हो गया। लाइक इट वाज टू गुड टू टॉक टू यू, मुझे बहुत मजा आया बात करके। आई एम श्योर द एस्पिरेंट्स हैव आल्सो एंजॉयड द पॉडकास्ट, एंड आई एम श्योर कि आगे जाके वंस यू विल बी इन द लाइक सर्विसेज, तो आई वुड विश कि हम आगे भी पॉडकास्ट कर पाए, आपके नए एक्सपीरियंसेस को हम ऑडियंस के पास ला पाए। श्योरली श्योरली, या थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। थैंक यू आशीष, थैंक यू।